पिछले कुछ दिनों से जम्मू में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं, यानी कि रैट टेस्ट करवा रहे हैं, कुछ लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करवा रहे हैं। अगर इसमें भी कोविड जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होता है, उसके बाद लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, तो ऐसे में सीटी स्कैन एचआरसीटी स्कैन करवाना जो है लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भी हो चुका था, क्योंकि इसकी मांग डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। और ऐसे में कुछ लेबोरेटरीज वाले मुँह मांगी कीमत जो है वो मांग रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई भी जो है वो ज़्यादा कीमत नहीं लेगा इस सीटी स्कैन की, चाहे वो प्लेन हो, 13 लेयर हो या 16 लेयर एचआरसीटी टेस्ट हो। तो ऐसे में अब लोगों के लिए राहत है कि आप लोगों को ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। ये ऑर्डर जो है वो अंशुल गर्ग द्वारा जो है वो ट्वीट करके बताया गया है कि अब कोई भी जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं देगा। तो मैं आपको ऑर्डर पढ़कर जो है वो ज़रूर बताती हूँ। द अपर सीलिंग फॉर एचआरसीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट इज़ हेयर बाय फिक्स एज इन द टेबल बिलो फॉर ऑल प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, लेबॉरटरीज हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उन सब के लिए ये ऑर्डर है कि अगर सिंपल यानी कि प्लेन सीटी स्कैन टेस्ट करवाना हो तो उसके लिए आपको 1500 पे करना पड़ेगा। और अगर आपको एचआरसीटी स्कैन कराना है जो कि लेस देन 16 स्लाइसिस होता है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 2500। और अगर आपको एचआरसीटी स्कैन करवाना है जो कि मोर देन 16 स्लाइसिस होता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 3000। तो ये फिक्स रेट जो है वो डीसी जम्मू द्वारा जो है वो ट्वीट करके बता दिए गए हैं कि फिक्स कर दिए गए हैं दाम। और ऐसे में कोई भी अब मुँह मांगी कीमत जो है वो नहीं मांग सकता है। किसी को अब सीटी स्कैन करवाने के लिए मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको मुंह मांगी कीमत जो है किसी की वो नहीं देनी पड़ेगी। आपको जैसे मैंने बताया कि 1500, 2500 और 3000 जो है इस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा सीटी स्कैन के लिए। तो बाकी आगे का ऑर्डर जो है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ऑल द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स एंड तहसीलदार, जितने भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं और जितने भी तहसीलदार हैं, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डर निकाला है ये हर जगह इम्प्लीमेंट हो, चाहे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, डायग्नोस्टिक लेबॉरटरीज है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की जुरिस्डिक्शन के अंदर ये सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो करवाने पड़ेंगे। और ऐसे में होता है कई ऑर्डर्स तो निकाल लेते हैं लेकिन कई लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फॉलो करने के लिए आप सबके लिए मैंडेटरी है। जितने भी प्राइवेट सेंटर्स हैं और जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, अगर आपसे कोई मुंह मांगी कीमत मांगता है, यानी कि इन रेट से कोई ज़्यादा मांगता है, तो ऐसे में कुछ नंबर जो हैं वो भी दिए गए हैं। आप इन नंबर पर बता सकते हैं, आप ईमेल पर बता सकते हैं कि हमसे जो है इस लेबॉरेटरी में, इस जगह पर, इस सीटी स्कैन एचआरसीटी स्कैन के जो है ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो नंबर इशू किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी कि मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से नंबर जो है वो उनके द्वारा बताए गए हैं। तो नंबर है 0191-257-1616। दूसरा नंबर जो है वो है 0191-257-1912। मैं कुछ समय बाद इस कैप्शन में भी जो है ये नंबर मेंशन ज़रूर कर दूंगी। और दो व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, और व्हाट्सएप नंबर है 9622011623 एंड 8882508169। और एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड की गई है आप लोगों की सर्विस के लिए, वो रहेगी eoc.dcjammu@gmail.com। तो ये आपको अवेलेबिलिटी दी है, आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप लोग यहाँ पर मैसेज कर कर, ईमेल पर मेल भेज कर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर हमसे ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑर्डर भी आ गया है इसके बाद भी। तो ऐसे में आप लोग अवेयर रहें, आपके आगे पीछे कोई भी ऐसी हरकत होती है जो कि रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, गाइडलाइंस ब्रेक करते हैं, तो आप इन नंबर पर ज़रूर बताएं या मेल कर कर ज़रूर बताएं। और अब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की बात हो गई है, क्योंकि अब सीटी स्कैन करवाने की मांग जो है वो डे बाय बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कुछ लोगों में सिम्टम्स आते हैं लेकिन रैपिड टेस्ट में, आरटीपीसीआर टेस्ट में उनके डिटेक्ट नहीं होता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो ऐसे में उनको सीटी स्कैन के लिए जाना पड़ता है, और सीटी स्कैन के रेट जो है बढ़ा दिए गए हुए थे, लेकिन अब फिक्स प्राइस है और आपको इसी में पे करने हैं। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ।